नमस्कार दोस्तों, द फैक्टरी में आपका स्वागत है। हमारे साथ भूमि जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। लगातार हम आपको जो सर्वे दिखा रहे हैं, आज भूमि जी भी उसके साथ जुड़ रहे हैं और आपको बताएंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा है डेरा सच्चा सौदा के साथ। भूमि जी, द फैक्टरी में आपका स्वागत है। आप बचपन से आ रहे हैं डेरा सच्चा सौदा में, अभी कौन सी क्लास में आप? प्लस टू। कैसा फील करते हैं बीइंग गर्ल, कैसा फील करते हैं आप डेरा सच्चा? बहुत सेफ फील करती हूँ। सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस ऑफ माई लाइफ मेरी डेरा सच्चा सौदा है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर वालों के बिना अपने घर वालों के साथ हमेशा यहाँ पे आती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा कोई अनसिक्योरिटी फील नहीं होती, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। आपकी फैमिली आपको लव कर देती है यहाँ पर? सब हमारे यहाँ पे और सारी फैमिली हमारी यहाँ पे आती है। गुरु जी का नेचर कैसा लगता है आपको? गुरु जी का नेचर बहुत अच्छा है। हमने उनके साथ एक पूरा डे भी स्पेंड किया था जब जट्टू इंजीनियर वाली मूवी रिलीज हो रही थी, उस दौरान हम उनकी शूटिंग पे गए थे। उनके साथ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया था, पर हमें बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड। कैसे ट्रीट करते हैं वो पब्लिक के साथ? वो सबके साथ, गर्ल्स हो बॉयज हो या पब्लिक हो, सबके साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं सबको। किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं होती, सबको एक इतना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा बोलते हैं। जो मीडिया में दिखाया जा रहा था उनके बारे में, आश्रम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मीडिया जो दिखाती है हमें उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया हमेशा बड़ा चढ़ा कर बताती है हमें। कभी भी मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग पिताजी सही हैं और वो हमेशा सही रहेंगे, और मैं प्रे करती हूँ वो जल्दी से वापस आ जाए। जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो एलिगेशन है वो तो बिल्कुल ही गलत है। मीडिया जो दिखाती है वो बिल्कुल गलत है। जब वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके देखें, मीडिया पे विश्वास करना बहुत ईजी होता है, बट यहाँ पे आके खुद रियलिटी देखें तो पता चलेगा। गुरु जी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए? गुरु जी का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने गर्ल्स को आगे लाया, वैश्य को अपनी बेटी बनाया जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने भ्रूण हत्या को ख़त्म किया है। उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो आज तक किसी ने भी नहीं किए। क्या आपको लगता है आज सोसाइटी को गुरुजी की नीड है? बिल्कुल नीड है, और मैं चाहती हूँ वो जल्दी से बाहर आए। वो अपना काम करने गए, जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे। 3-4 सालों से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, जब से वो नहीं है सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? हमारी जो सफाई अभियान चल रहे थे वो अभी भी जोरों शोरों से चल रहे हैं, पर उतने अच्छे से नहीं चल रहे जैसे पिताजी तब थे, तब चल रहे थे। पिताजी खुद जाते थे, अपने सफाई अभियान शुरू करते थे, बस पिताजी जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। हमारे जो सारे काम चल रहे थे जल्दी से जल्दी दोबारा चल पड़ेंगे। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? क्या अपील? मैं अपील करना चाहूँगी गुरुजी जल्दी से जल्दी वापस आए, हमारे वो फिर से हमारी जो हमारे उनकी प्रति भावना थी फिर से वही जागे, फिर से हमारा सेवा सिमरन वैसे ही दोबारा शुरू हो जाए, हमारा डेरा वैसे ही फिर से चमकने लग जाए पिताजी की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा विद सेंटर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा का, जो लगातार हम पब्लिक के सर्वे के दौरान आपको दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।